हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो। दिस इज मी साकिब रजा विद माय ऑल टीम ऑफ जीत का जोश मेंबर्स। हाउ आर यू गाइस? आई होप यू विल बी फाइन। गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं जीत का जोश ट्रांसमिशन और हम आ गए एक बार फिर आप सबके साथ अपनी जबरदस्त टीम और पैनल के साथ। जाहिर है हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट एनालिसिस मौजूद होते हैं, एनालिस्ट मौजूद होते हैं, आज भी मौजूद होंगे जनाब। ये ट्रांसमिशन आप हमारी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जनाब, वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सज चुका है, मेला सज चुका है अमेरिका में, जहां पर 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 55 मैचेस खेले जा रहे हैं, 4-5 ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बहुत सारी टीमों का इस बार इजाफा हुआ है। 16 टीम्स वैसे खेलती हैं, इस बार 20 टीम्स खेल रही हैं। और क्या ही शानदार आगाज हुआ इस बार वर्ल्ड कप का। यूएसए वर्सेस कनाडा के मैचेस से आगाज हुआ, क्या ज़बरदस्त फतह हासिल की यूएसए ने। अमेरिका ने कनाडा से जीत लिया मैच और क्या मैच हुआ था जनाब। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो पपुआ न्यू गिनी का मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ के साथ, और वेस्ट इंडीज़ के साथ जब मैच हुआ तो यूं लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ हार जाएगी, बड़ी टीम हार जाएगी पपुआ न्यू गिनी के सामने, लेकिन बिल आखिर वेस्ट इंडीज़ ने रात जीत लिया मैच और सुबह तो सुपर ओवर में चला गया। तो जनाब क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में, कैसे कैसे मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल इब्तदाई अय्याम हैं और शुरू में यानी कांटेदार मुकाबले होना शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी टीमें हैं लेकिन कमाल खेल रही हैं। तो जनाब एहसन इकबाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल, क्या हाल है जनाब, कैसी तैयारियां हैं वर्ल्ड कप को लेकर और क्या शानदार आगाज हुआ है वर्ल्ड कप का। वालेकुम अस्सलाम जी, वर्ल्ड कप हो या जीत का जोश हो, आगाज तो शानदार होता है साकिब रजा। बहुत ही बेहतरीन ट्रांसमिशन को लेकर चलते हुए गाइज, आप लोग बजरिया लाइव कॉल्स हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा आप लोग इस ट्रांसमिशन को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल इज हियर और हम अगर बात करें यूएसए पे होने वाले और वेस्ट इंडीज में होने वाले इस वर्ल्ड कप की। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी हूं भाई चप्पू। मेरा और चप्पू भाई का लग रहा है 36 का आंकड़ा होने वाला है। कसम से कल भी मेरे को बुलाया नहीं था इन लोगों ने और मैं आपको खुद से आ गया था। साकी भाई मैंने को कितना पैसा दिया हुआ यार आपको, मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। अच्छा पीछे तो देखो साकिब भाई। हाँ पप्पू भाई, चप्पू भाई आपसे बात करेंगे लेकिन हमें थोड़ा सा अगर वर्ल्ड यार कप पर बात भाई एक मिनट एक बार सुनो जरा, ये भी तुमने पता नहीं पप्पुआ गिनिया का मतलब नाम लिया था, ये तो मेरे भाई की टीम तो नहीं है कहीं। बाकी आपने टीमें खरीदी हुई है तो हो सकता है ये टीम भी आपकी हो, बना लेते हैं जनाब। जहाँ इतनी टीमों का इजाफा हुआ है एक और टीम से ही। वेल चप्पू चार्जर हमारे साथ मौजूद है, हम आगे बढ़ते हैं। ताजी ये कौन सा नाम रख दिया मेरा चप्पू चार्जर, ये कौन सा मतलब यार, डड्डू चार्जर था भाई। अरे आप के जरिए हम चार्ज हो रहे होते ना जब आते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, इसलिए हमने आपका नाम रखा चप्पू चार्जर। ये जो आपके आगे जो लंबे लंबे बड़े बड़े से ग्लास रखे हुए सोडे के, ये भी खरीद के पिए या किसी ने दे दिए? ये भाई खरीदने की क्या बात है, चप्पू चार्जर हमारे साथ मौजूद है, स्पॉन्सर है हमारा इस ट्रांसमिशन। भाई टेंशन नहीं लो, अभी पूरी फैक्ट्री है। लो हाँ भाई छोटे यार, ये सोडे की फैक्ट्री तो भिजवा जल्दी से। छोटा फैक्ट्री चलाता है और बड़ा यार चप्पू भाई गर्मी इतनी आ गई है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हर जगह पे एसी लगवा लें। आप इतने अमीर तरीन इंसान है तो यार एसी तो हर जगह होना चाहिए पूरे मुल्क में। हाँ एसी लगे हुए, सारे एसी लगे हुए भैया, वो जो हमारे मिनिस्टर साहब है सारे एसी लगे हुए, एसी हो रहे हैं, एसी लगे हुए भाई सारे। वाह 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 चप्पू चार्जर चार बेहतरीन सर। अच्छा जी हम बात करते हैं यूएसए और कनाडा, क्या आगाज हुआ है भाई, क्या आगाज हुआ है, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ गया। न्यूयॉर्क के अंदर जो वहाँ की ऑडियंस थी, समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ पे ऑडियंस यूएसए की है, कनाडा की है, पाकिस्तानी है, इंडियंस है, कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि सबको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना बेहतरीन क्राउड और एनवायरनमेंट यार, क्या बेहतरीन उनका जो डीजे सिस्टम है वो बेहतरीन किस्म का म्यूजिक चला रहा है और बहुत मतलब जस आ रही है देखने में, यकीन करो सुबह सुबह का टाइम होता है लेकिन उसके बावजूद भी मज़ा आ रहा होता है देखने में। इसके अलावा हम अगर बात करें कनाडा की, कनाडा ने भी नो डाउट बैटिंग बहुत अच्छी की यार, 194 स्कोर करना मजाक नहीं होता, खासकर यूएसए की टीम अगर हम देखें। यार भाई अगर बात बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, आप मैं बुरा मान भी जाऊं तब भी आप बोलेंगे? हाँ वो तो सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ हमारे ये जो घोस्ट किधर है, आज घोस्ट नजर नहीं आ रहे, गायब तो नहीं हो गए? यार घोष्ट कहा था ट्रांसमिशन रात को करो तब मैं आऊंगा, मजा आएगा, अभी तक आए नहीं है, शायद वो गाना सुनने के बाद आए। हम अभी T20 वर्ल्ड कप का गाना चलाने वाले हैं, फिर देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। अच्छा अच्छा डीजे ब्रावो वाला, हाँ हाँ वेस्ट इंडीज में हो रहा है ना इस बार। वेरी गुड है भाई, चैंपियन सारी चैंपियन है, एसन इज अ चैंपियन, चप्पू इज अ चैंपियन, साकिब इज अ चैंपियन, डोंट फॉरगेट तला इज अ चैंपियन,
वेली इज द चैंपियन डम 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 ये जीत का जोश हां जीत का जोश इज द चैंपियन क्या बात है भाई चप्पू भाई सीन ये है कि ये जो चैंपियन चैंपियन कर रहे हैं ना आप इनका तो प्रोग्राम बस जारी ही रह रहा है बस बच गए बाल बाल इनको बारिश ने पहले मरवाया फिर 135 रन नहीं बन रहे थे इनसे यार मतलब चप्पू भाई ये क्या है मतलब कोई कुछ खरीदने वाला हो मेरे को बस ये बताओ रन खरीदने कोई चप्पू भाई वो फैक्ट्री कहां रहेगी छोड़ेगी छोटे को बोला था यार वो बन रही है ना भी साजी में पैसे के बाद मेहनत भी तो लगती है अच्छा पैसे के बाद मेहनत लगती है हाँ ना अच्छा हम तो पहले ये देखते थे पहले मेहनत होती है फिर पैसा लगता है लेकिन अभी तो फैक्ट्री में तो मेहनत लगेगी ना यार चप्पू भाई अपने फॉर्मूले सीधे करो ये गलत हो रहा है चैट जीपीटी से अपने फॉर्मूले गलत दोबारा लिखवाओ यार ये बताओ बस अभी अभी आप जो रन के बोल रहे थे 135 रन खरीद लूं नहीं वो चैंपियन जिनको आप कह रहे थे ना ब्रावो इज अ चैंपियन और गेल इज अ चैंपियन उनसे 135 रन नहीं बन रहे थे कल अबे तो मैं बोल तो ना मुझे बोल देता खरीद के दे देता उनको झोली में डाल देता अरे सुने तो सही आपके जो भाई की टीम है ना क्या नाम था उसका अब कौन सी गिनिया पता नहीं पप्पू ही गिनिया भाई से पूछ के आए ना भाई से पूछ के आए ये क्या पता नहीं उस बावले ने कैसा नाम रख लिया अपनी टीम का सिंपल सिंपल रख देता था पप्पू चैंपियंस तो पीएनजी की जो टीम है उसके अगेंस्ट इनसे हां ना पीएनजी मेरी कंपनी थी पीएनजी नहीं वो डॉट पीएनजी वाली नहीं अरे यार चप्पू भाई आप भी ना ये पीएनजी पपुआ न्यू गिनी क्या बात है भाई क्या बात है लिसनर्स आप लोग हमें याद रखे ना रखे यूएसए कनाडा के मैच को याद रखे ना रखे चप्पू चार्जर आपको नहीं भूलेगा तो यूएसए और कनाडा के मैच की बात हो रही है भाई सबसे पहले तो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्लास का साकिब कैसा लगा बिल्कुल जनाब आगाज जब हुआ था और यानी जब मैचेस स्टार्ट हुए तो क्या ही शानदार तरीके से ओपनिंग हुई है इस वर्ल्ड कप की और अमेरिका के पास भी जो है ना चप्पू भाई की तरह बहुत पैसा है तो चप्पू भाई की तरह जब पैसा है तो भाई हर चीज़ में पैसा लग रहा है अमेरिका ने कितना जल्दी स्टेडियम बनाया है एसन इस पर भी मैं चाहूँगा कि बात करें कि मतलब यार क्रिकेट को किस तरह वो वेलकम कर रहे हैं यानी आप इमेजिन नहीं करेंगे कि 3 महीनों के अंदर उन्होंने स्टेडियम बना दिया जनाब तो क्या ही शानदार आगाज़ हुआ है वर्ल्ड कप का यूएसए वर्सेस कनाडा की बात चल रही है तो वो मैच शानदार फिर उसके बाद जब आगे आए तो कल जो मैच खेला गया फिर दूसरा मैच पपुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जैसे अभी बात चल रही थी चप्पू भाई के भाई की जो टीम थी वो उन्होंने कल काफ़ी टफ टाइम दिया था वेस्ट इंडीज़ को मेरे ख्याल से यूएसए और कनाडा के मैच की अगर हम बात करें तो उसमें पहले दिन ही जो है वो मतलब 2 रिकॉर्ड्स बने हैं चप्पू भाई को चैन नहीं है बोले अच्छा भाई बात तो सुन लो यार ये एक टेंशन और हो गई मेरे को ये बताओ मैच कहाँ पे हो रहे हैं ये मैच हो रहे हैं न्यूयॉर्क में ना तो समझ नहीं आती मैच वहाँ पे सुबह में हो रहा है दिन में हो रहा है रात में हो रहा है वहाँ पे तो रात में हो रहा है हमारे पास सुबह में हो रहा है तो हमारे पास दिन में क्यों हो रहा है ये हमें भी समझ नहीं आ रही लेकिन हो रहा है उनको बोलो भाई एक टाइम पे कर लो ना यार मस्जिद की मगरिब की नमाज भी पढ़नी होती है फिर नहीं फजर की यार चप्पू भाई क्या हो गया तो मतलब कोई नमाज तो पढ़नी होती है ना भाई ये बेहतरीन है चप्पू अगर वो लोग नमाज नहीं पढ़े तो हमें टाइम देते थोड़ा ब्रेक ले लिया अगर मैच में ये वो ब्रेक लेने चाहते हैं लेकिन उनसे वो इतनी दूर छक्का मारते हैं लेकिन वो फिर उसके बाद दोबारा बॉल आ जाती है फौरन अच्छा एक और भी ये भी बात समझ नहीं आई थैंक यू यार ये इतने छक्के मार देते हैं बॉल गायब नहीं होती इनकी अरे समझ नहीं आती यार वो छत के ऊपर बॉल फेंक दी वो फिर साला कोई उठा के अरे तो मोहल्ले में अंकल के घर पे चली जाए साल साल तक नहीं देते बोले असल में अमेरिका में स्पाइडरमैन भी है ना लग रहा है शायद बोले आता है बोले अच्छा 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 वो उड़ उड़ के लेके आता है ये मेरा भाई ये वो कौन सा लिबर्टी चौक से ऊपर से लेके आ गया हाँ लिबर्टी चौक के ऊपर से फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे से लेके आ गया क्या बात है भाई भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो गिर गया ना तो इसके नीचे ही आएगी बॉल जनाब बिल्कुल ये पप्पू चप्पू चलते रहेंगे नहीं, लेकिन नहीं, हम साथ साथ वर्ल्ड कप पे भी बात करते रहेंगे तो हमारी बात चल रही थी यूएसए वर्सेस कनाडा पे तो जनाब एरन जोन जो एक प्लेयर उस दिन हमें मिले भाई उन्होंने 94 रन्स बना दिए भाई कमाल हो गया 194 का टारगेट सेट किया था और उसके बाद जब एरन जोन की बारी आई तो उसने बताया कि भाई वो कितना बड़ा प्लेयर है 94 रन की शानदार इनिंग खेली 10 छक्के चप्पू भाई 10 छक्के चप्पू भाई 40 गेंदों में 94 रन 40 गेंदों में फिटे 94 रन और क्रिस गेल जिन्हें हम यूनिवर्सल बॉस कहते हैं क्रिकेट के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ा है यानी क्रिस गेल के बाद ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने किसी वर्ल्ड कप में एक मैच में 10 छक्के लगाए हैं यार एक बात बताओ ये क्रिस अलग है गेल अलग है नहीं गेल की क्रेस है दोनों जुड़े हुए हैं जी
अबे इनके पास पैसा नहीं था क्या? अलग अलग नहीं हो सकते थे ये लोग? पैसे होने से तो बंदा छूटता है, अलग थोड़ी होता है चप्पू। गरीब लोग यार, क्या यार, ये गेल चैंपियन कैसे बन गया? ये चैंपियन बनने के बाद गरीब हो गया। अच्छा 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 चप्पू भाई यार बात करने दे यार, चप्पू भाई यार बात करने दे यार। एसन भाई तुम एसन बनो, वलीद ना बनो। वलीद को भी हम अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि वो भी क्रिकेट का बहुत शहदाई है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल किसकी, एरन जॉन्स की। एरन जॉन्स से पहले मैं बात करूंगा, यूएसए की टीम है। मैं यूएसए की टीम को बहुत हल्का ले रहा था, मैंने बोला यार 194 इनके खिलाफ कनाडा ने बना दिए तो मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक बॉलर है पाकिस्तानी, अली खान उनका नाम है, बहुत मतलब 150 प्लस पेसर है, अली खान उनका नाम है। इसके अलावा अरे नहीं अली खान वो मोहल्ले वाला नहीं, आपके मोहल्ले वाले अली खान नहीं, नहीं नहीं ये जो भाई जांगी तरीके जो छोटे बेटे अली खान ट्रिंग, नहीं नहीं ट्रिंग विंग नहीं है अली खान नहीं। अच्छा इसके अलावा कोरी एंडरसन जिनको सब जानते हैं, जिन्होंने शाहिद अफरीदी का 23 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी यूएसए की टीम में शामिल है। उन्होंने अपनी पहली बॉल पे जो है वो विकेट ली थी कल अगेंस्ट जो कनाडा, और उसके बाद विनिंग रन भी वो स्कोर। क्या बात बता रही, यानी मेरी कोई बात भी इधर जाने वाली नहीं है। इसके अलावा कल से ना तुम अपनी सीटें चेंज करा लेना भाई, मैं बता दूं मेरे बराबर में बैठोगे तो ऐसे ही होगा भाई। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे बैठना आपके बराबर में, आपसे मोहब्बत हुई है ना मुझे यार, क्या कर सकता हूँ मैं। शरबत पियो शरबत मोहब्बत का शरबत, शरबत पीऊंगा तो फाका हो जाएगा। हाँ ना, जैसे खांसी चली जाती है, बुखार चला जाता है शरबत पीने से, तो मैं भी चला जाऊंगा। नहीं फिर नहीं पीऊंगा, अगर आप चले जाएंगे तो नहीं पीऊंगा। लिसनर्स आपको नहीं पता, बहरहाल छोड़ें, हम बात कर रहे थे मैच के ऊपर, हम वापसी आ जाते हैं। हमने जो है वो अभी तक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का अभी तक का ऑफिशियल एंथम नहीं सुना, क्या ख्याल है साकिब? बिल्कुल जनाब सुनते हैं, और उससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, मैं भी चाहूंगा कि मैं भी एक यानी मिली नगमा शामिल करूं। भाई क्या बात है साकिब, तो पाकिस्तान की बात होती है, हम अभी इस वक्त तो यूएसए वर्सेस कनाडा पे बात कर रहे हैं, जैसे ही इस पर मुकम्मल होगी बात तो हम जरूर आएंगे, पाकिस्तान की टीम पर भी बात करेंगे, क्या तैयारियां हैं। 6 तारीख को हमारा पहला मैच होने जा रहा है अमेरिका के साथ, और उसी में ही जो है ना एरन जोन्स भी मौजूद हैं, उसी में ही जो है बड़े बड़े प्लेयर्स और भी मौजूद हैं, तो उनके साथ मुकाबला होगा। और फिर 9 तारीख को बड़ा मुकाबला आ रहा है पाकिस्तान बनाम इंडिया, तो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब। उससे पहले हम मिली नगमा शामिल करते हैं, गाते हैं मिलके, अगर ऐसा हम गा लें। क्या बात है सनत, हाजिर हाजिर, हमारी आवाज़ सुन के लिस्टर्स भाग न जाए। चलो साकिब 1 2 3 क्या पढ़ना है हमने? सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, हमारे साथ चलें फिर सुनेंगे तो भाई चलो। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है ना भाई, इसमें आजाद नहीं रह सकती, मैं बता दूं। साकिब भाई एक बात बताओ, आपने बोला कि पहले 16 टीमें खेलती थी, ठीक है अब 20 आ गई हैं, तो 4 कौन सी एक्स्ट्रा आ गई हैं? नाम बताओ उनके। नेपाल आ गई है,
यूएसए है, मतलब ये टीमें पहले भी खेलती रही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में यूएसए का तो कभी मैंने देखा ही नहीं, कहीं कोविड तो नहीं हो गया था इनको? नहीं, यूएसए की हॉकी टीम थी, अब उनकी हॉकी टूट गई तो उन्होंने बैट खरीद लिया। हाँ, अबे मतलब ये क्या चल रहा है, टीम है क्या ये? मतलब ये कोई नेट तो नहीं है जहाँ पे लग गया फिट हो जाओ? इनका जॉनर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। ये मुझे कुछ लग रहा है, कुछ कोई जली भी लग रही है कोई। जो मर्जी समझे। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई नट वट थोड़ी है कि जहाँ का नट भी उतरा हुआ वहाँ लगा दो बस, ये गलत बात होती है भाई। नहीं, उसके लिए भी वो चाहिए होती है वाशल, वाशल कहते ना उसको। नहीं नहीं, वो स्क्रू पाना नट बोल्ट पता नहीं क्या क्या होता है, एक तो मैंने कभी खरीदा नहीं है ना, असल में खरीदा नहीं है, लेकिन वो छोटे को पूछा नहीं कि छोटे मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दे वाला। भाई मैं मोटरसाइकिल ठीक भी नहीं कराता, पागल पागल थोड़ी हूँ, पैसा इतना है नहीं ले लेता हूँ। और तो पुरानी का क्या होता है, वो कुछ गरीब गरीब को दे दो, चाहिए तेरे को? हाँ, दो तीन चाहिए। वो तो अभी तो इतनी ज्यादा तो खराब ही नहीं हुई। आप मोटरसाइकिल खराब नहीं करते? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ ना। चप्पू भाई, कभी क्रिकेट खेली आपने? क्रिकेट खेला है मैंने, क्रिकेट। अरे क्रिकेट? अबे क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में तो एक ही बॉल के पीछे पड़े रहते हैं। अब क्रिकेट में कम से कम रंग तो बदल सकता है बंदा, साकिब के साथ कोई और रंग होगा मेरा, ठीक है, ऐसन के साथ कोई और रंग होगा, हाँ वलीद भाई के साथ अलग होगा, बिल्कुल। समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। लिस्टर्स देख रहे हैं कितने रंग है ना, कितने कितने, ये तीन, ये रेनबो, रेनबो कलर है, रेनबो कलर सारे इसमें। आपको बात बताऊँ, मैंने बचपन में जब पढ़ा था ना, बचपन में, आपने बचपन में पढ़ा था? मैं तो अभी तक पढ़ रहा हूँ। आपने बचपन में? हाँ, मैंने बचपन में बस पढ़ के छोड़ दिया था, साइड पे रख दिया था फिर। अच्छा अच्छा, बचपन में मैंने ना एक पढ़ा था, रेनबो किसे कहते हैं ना, तो आज तक याद रह गया। उर्दू में मैं तारीफ सुनाऊँ? सुनाए। वो रेनबो को कहते हैं कौसे कजा। अरे क्या बात है, कौसे कजा को उसकी तशरी कैसे की हुई थी, सात धनक वाली कमान जो बारिश के बाद आसमान पे दिखती है, आज तक याद है ये। अरे चप्पू भाई के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। चप्पू ले गया भाई। चप्पू भाई से मेरी एक फरमाइश है, ये जब मैं माइक क्या क्या मुंह करके बोलो ना, क्या दूर दूर करके बोल लो, जब मैं माइक में स्मेल आ रही है। नहीं नहीं यार, बहुत खुशबू आ रही है चप्पू भाई, आपने बहुत महंगा परफ्यूम माइक पे भी छिड़क दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। अरे परफ्यूम नहीं छिड़का, पूरी फैक्ट्री छिड़क दिया भाई। अच्छा यार, मैं जब शायरी पढ़ता हूँ तो आप तशरी करते हैं और बड़ी शानदार करते हैं, तो मैं एक शेर पढ़ूंगा, आप इसकी तशरी करेंगे। यार यार, शेर तो को शिकार किया जाता है, पड़ा थोड़ी जाता है भाई, फिर हमारा क्या बनेगा अगर तशरी हो गई तो। हाँ, तो शेर है, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, वो शाही है बसेरा कर पहाड़ों पहाड़ों की चढ़ानों पर। तो अच्छा भाई, इसमें शेर और शायर, वो शेर मकाबे डांग जाती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें ना ये शायर कौन है पहले बताएं? शायर इकबाल भाई। इकबाल साहब कहना चाह रहे हैं कि ये जो नशेमन सिनेमा था ना, वो टूट चुका है, उस पे से अब नहीं जाओ, तो आगे जाके वो आगे आता है निशाद सिनेमा, वो भी टूट चुका है, उससे आगे गुजरोगे तो आता है केबरी सिनेमा। अरे केबरी सिनेमा में घुस के, और जो वो है ना शाइन बाजी, उनकी फिल्म लगी होगी, वो देख लो, ये बात पहाड़ पे बैठ के। बात सुने इकबाल भाई, ट्रैफिक वार्डन भी थे क्या? मैंने इकबाल साहब बोला, इज्जत दी है, क्या हो गया, तमीज से बात करो। तो काम तो आपने, शायर मशरिक है वो, तो काम तो आपने यही बताया उनका, ये वाला सिनेमा टूट गया, वाला सिग्नल क्रॉस करके आगे से निकल जाओ, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के शाइन बाजी की मूवी देखो। वाह वाह वाह, क्या तो भाई, नशीमन सिनेमा का जिक्र होता है ना, ये नशीमन सिनेमा, ये जुबली क्लब, जुबली के पास है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अबे न्यूयॉर्क कहाँ से आ गया, न्यूयॉर्क अपना खारा डाल के पैसे आता है जुबली। अरे यार, आप अभी भी गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, यूएसके की बात करूं, यूएसके की महंगे तरीन मुल्क में इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है, और आप अभी तक, हमने 20 टीमें अरेंज की है आपके लिए थोड़ी की, खारा दर से निकले यार, चप्पू शापू आप क्या है यार? यार देखो, चप्पू की जड़े ना, चप्पू की जड़े वहीं से जुड़ी हुई है। बस छोड़ो यार, नहीं अब चप्पू भाई ने मूड खराब कर दिया, मैं पसीने आ रहे हैं, मुझे गर्मी बहुत हो रही है। चप्पू भाई, छोटे चॉकलेट की फैक्ट्री लेके आ जल्दी से, भाई का मूड खराब हो गया, टेबल नंबर 4 पे कपड़ा भी मार दियो। अच्छा हाँ ना, होटल भी चला रहा हूँ साथ साथ, बैठे बैठे यही पे फोन पे लगाऊ वहाँ पे। चप्पू भाई, मैं नेक्स्ट टाइम ट्रांसमिशन में आयदल कुर्सी पड़ के आऊंगा, शायद आप ना आए। अल्लाह ताला चप्पू के शर से बचाए, चप्पू की शरारत से तमाम लिसनर्स को महसूस करे। लताना अच्छा जी, अच्छा एक और चीज याद आ गई, जोर से आ जाइए, सुन लो, कभी चाय की कुल्ली की है? नहीं यार, बहुत मजा आता करके देखियो कभी, मंगवाए। छोटे छोटे लिप्टन खरीद ले, पूरे एवरीडे खरीद ले, और भाई के लिए चाय बना के लेके आ। एक कप के लिए इतनी इतनी फैक्ट्रियां खरीदते हैं क्या? अबे तो मतलब क्या करूं, पैसा इतना है, हां बढ़ा दूं कहीं, फेंक दूं? नहीं नहीं, पैसों के गोदाम बना ले, पैसे बेचा करें आप। पैसे बेचूं? हां, 100 रुपए के 10 रुपए यार, इससे तो और पैसा हो जाएगा मेरे पास।
सौ रुपए का 10 रुपए बेचूंगा तो 10 रुपए कितने की बिकेंगे फिर? ये हम उसे मैथमेटिक्स ना पढ़ाए, लिस्टनर्स के सामने मेरी बोल खुल जाएगी, मैं बहुत जबरदस्त उनके जबरदस्त कमजोर हूँ। ताकत की गोलियां लिया करो, विटामिन की, फिर मेंस पढ़ा करो। विटामिन की गोलियां नहीं लेता मैं, सुबह सुबह धूप में बैठ जाता हूँ, वो तो विटामिन डी होता है, उससे तो और कमजोर हो जाता है मेंस। हाँ, उसमें नहीं बैठा करो। अरे यार चुप भाई, पहले धूप की जब किरणें लगती है ना तो वो जल जाता है सारा मेंस, सारा मेंस सारे हिंसे विंसे जल जाते हैं उसके। हाँ, उसके पास हच्चे उड़ जाते हैं। यार चप्पू भाई क्या बात, चलो यार मैच की बातें कर लो भाई, वो स्पॉन्सर ने पैसे भी दिए हैं, उसको भी कर लो। नवीबिया और ओमान का पहला मैच था जो आज के दिन खेला गया, क्या शानदार मैच था। पहले जो दो बॉल्स थी नवीबिया की तरफ से ओमान को जो कराई गई, दोनों पर दो विकेट गई और रिव्यू भी जाया हो गया। इसके बाद जो उनके ट्रॉम्पल मैन, पता नहीं बड़ा मुश्किल से नाम था इनका, इन्होंने जो है वो 4 विकेट हासिल की और 2 कैचेस पकड़े। इसके बाद फिर जब नवीबिया की बैटिंग आई तो ओमान ने भी कुछ कम नहीं किया, पहली बॉल पे बोल्ड भाई। इस मरतबा अगर हम कनाडा और यूएसए का मैच देखें तो उसमें भी जब यूएसए की बैटिंग आई तो पहली बॉल पे विकेट गई है। हालांकि पहली बॉल पे विकेट एक अलग सा मोमेंट होता है क्रिकेट में। और हम बात करें अगर नवीबिया और ओमान के मैच की, तो भाई कौन सा नवीबिया? नवीबिया, अबे तो मेरी भाभी का नाम है छोटा हबीबिया और नबीबिया। डेविड वीसा को जानते हैं आप? कौन सा पिज़्ज़ा? डेविड वीसा, वीसा 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 लगता है। हमारी लाहौर कलंदर्स की टीम में भी खेलते हैं डेविड वीसा। उनका वीसा लगा हुआ है? उनका वीसा लगता है पीएसएल में, वो यहाँ आते हैं। तो अभी कैसे खेल रहे फिर? अभी नहीं लगा ना वीसा, तभी तो बता रहा हूँ। डेविड वीसा जो है वो अपने मुल्क में वीसा लगा के नहीं बैठे हुए, वीसा नाम है उनका। तो वीसा और वीसा एक ही बात आ गई ना, FBI ऐसे और वो भी वीसा। नहीं नहीं नहीं, वीआई ऐसे नहीं है, आप उल्टी सीधी स्पेलिंग में बोले जा रहे हैं। हेलो, मैंने ना फुल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लियारी डिक्शनरी से पढ़ा हुआ, मैंने पूरा एक्सपर्ट क्या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लियारी डिक्शनरी, लियारी डिक्शनरी। हां यार मेरे को कंफ्यूज नहीं करो साकी भाई, यार मेरे ख्याल से जीत के जोश को छोड़ के दी चप्पू शो चला देते हम, वो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा लगा सर इकबाल, सही है ना चप्पू भाई, खुश हैं आप? शो खरीद लिया मेरे नाम पे, वेरी गुड, शाबाश, मेरे नक्शे कदम पे चल लो, मेरे नक्शे कदम ऐसे। हाँ वैसे सब भाई बेहतरीन है यार। आपको तो अभी हमने पैसे नहीं दिए, वरना तो आप पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पे। सही कह रहे हो। आप बात करो, वीसा की बात कर रहे थे आप, नवीबिया और ओमान के मैच की बात हो रही थी। नवीबिया नहीं बोलो, भाभी का नाम है तुम्हारी यार। सॉरी। कौन सी वाली वजू किया तुमने? कौन सी वाली? चप्पू भाई खामोश, चप्पू भाई का एक रंग आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फुल क्रिकेट का नजारा करते हुए हम लोग। वाह भाई वाह, आप लोग क्रिकेट खेल लो, मैं क्रिकेट खेल लो। ये मास्टर स्ट्रोक लग गया जी मेरी तरफ से, चलो जाने दो। अच्छा जी, हमने पहले मैच की बात कर ली, दूसरा मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, दोनों जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से एक्सपीरियंस टीमें हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अभी वेस्ट इंडीज ने उन्हें क्लीन स्वीप किया है, तो आई डोंट थिंक के अभी जो है वो ये इस चीज़ का प्रेशर लेगी साउथ अफ्रीका, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ वर्ल्ड कप, वो एक सीरीज थी बायलैटरल। पाकिस्तान भी आयरलैंड से हार कर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर भी यूएसए से हार जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब भाई हेलो यही नहीं, यही रुक जाओ, मेरे को बहुत बोलना जरूरी हो गया यहाँ पे। उस दिन साकिब भाई बोली जा रहे थे हार गया क्या मतलब है तुम लोग यार, पाकिस्तान को क्यों इतना डिमोटिवेट कर रहे हो? मैं खरीद लूंगा पाकिस्तान की टीम को फिर। अरे चप्पू भाई, हम तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, हमारे जो पाकिस्तानी बाकी लोग हैं ना, हम तो फिर जो है ना होला हाथ रख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर। हाथ ही नहीं रखो ना, छोड़ दो ना भाई, जाने दो, ऑटोमेटिक चल रहा है तो नहीं दो। ना क्यों भाई, क्यों रख रहे हो आप यार? भाई हमारी टीम इस वक्त पाकिस्तानी टीम शिकवे भी अपनों से होते हैं ना यार, जिनसे मोहब्बत होती है उन्हीं से तो शिकवे होते हैं। तो फिर जवाब शिकवा भी लेके आओ ना इकबाल की तरह। वो अब जवाब शिकवा आपको मिलेगा ना, बाबर आजम के कवर ड्राइव्स होंगे जवाब शिकवा में, रिजवान के स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के होंगे, आप देखिए तो सही होता है क्या है। आप क्रिकेट में भी ड्राइविंग करते हैं? हाँ, बाबर आजम क्रिकेट में भी ड्राइविंग करते हैं, पूरी टीम को ले जाते हैं उस पार, जीत जाती है या फिर जीत जाती है। अच्छा जी, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच अगर हम देखें तो श्रीलंका की टीम स्पिनर्स के हिसाब से तो हो चुका है, अब कैसे देखोगे? नहीं अभी होना है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। अच्छा, मैच फिर देख लेना। हाँ जी, एक्सपेक्टेड है कि साउथ अफ्रीका इस मैच को इजीली ना सही लेकिन विन जरूर कर जाएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसमें जो हम अगर हम देखें तो स्पिनिंग जो अगर ट्रैक बन गया तो श्रीलंका का पलड़ा लाजमी तौर पर भारी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे सामने घोस्ट किससे आ गए एकदम से? जी जनाब लिसनर्स, अभी हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे घोस्ट ने, और वैसे तो ये नाइट में घोस्ट से पहले मुझे एक सवाल कहने दो भाई, पार्ट टाइम चिंची तो नहीं चलाते तुम? हाँ, ये चिंची चलाने गए थे, अभी इनका रूट मुकम्मल हो गया तो ये इन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब।
आप इस वक्त हमें रोक दिया जनाब। अब हम बढ़ रहे हैं अपने जनाब तलहा इनाम की तरफ। हमें ज्वाइन हमें ज्वाइन कर लिया इनाम साहब। साहब हटा दो या जनाबे हटा दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे ये जनाबे मन है और जनाबे मन ने हमें ज्वाइन कर लिया। वैसे ये बड़े मेमन है, कंजूस है। तो मेमन तो बड़े ही होते हैं, छोटे तो कोई दिखे ही नहीं मेमन आज तक। नहीं बड़े कंजूस मेमन है ये। तो अस्सलाम वालेकुम का मौका दें। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तमाम लिसनर्स को मेरी जानिब से खुश आमदीद और आप लोग की जानिब से मुझे खुश आमदीद। आपको वर्ल्ड कप मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो चप्पू भाई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो चप्पू भाई। आपकी टीम भी आ गई है मैंने सुना है वर्ल्ड कप के अंदर। नहीं आई, वो छोटे बच्चे की और छोटे भाई की आई है मेरी। पप्पू या गिनिया, कौन से गिनिया? पप्पुआ न्यू गिनी। पप्पुआ न्यू कौन से? पप्पू यहाँ तक न कर। चले खैर बहरहाल। अच्छा आपने कहा कि मैं चिंची चलाता हूँ, तो बिल्कुल बैक हैंड पे मैं चिंची चला रहा था। और चप्पू भाई बैक हैंड क्या मतलब? कौन से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं बैक हैंड पे? नहीं सुबह वेब रेडियो के बैक हैंड पे चिंची चला नहीं, सुबह वेब रेडियो का चिंची चलाने की कोशिश कर रहा था और इनका चिंची जो है वो चालू हो गया है। इनको उठवा लो, ये जो है ना बैक हैंड पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो यार साकिब, ऐसा ना करें, मुझे ना उठवाएं। अगर अच्छा, मैं उठ माइक से तो फिर... लिस्टनर्स की कंप्लेन आ रही है मेरे पास, मैं खरीद लूंगा माइक पे। माइक सही तरह लगाओ अपने मुंह। कोई बात नहीं, हम लोग नया माइक ले आएंगे। चप्पू भाई आप है ना हमारे पास, कोई इसका मसला नहीं है। अच्छा मैं कुछ न्यूज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो खामोशी जिंग जिंग करके म्यूजिक तो बजाओ पप्पू भाई। कैसे? जी पप्पू भाई म्यूजिक बजा पहले। बस हो गया मैं बस करो, मैं क्या बैंड वाला हूँ। पप्पू भाई असल में आप झूम पड़े थे ना गाना सुन के। नहीं चप्पू, सॉरी चप्पू भाई, कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तो जुड़वा है ना आप लोग, दो भाई चप्पू है चप्पू और पप्पू। आप दोनों जुड़वा है। बोलो भाई क्या मुंह में घुसो के लोगों के। अच्छा मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम काफी सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट के अंदर। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस क्रिकेट, हाँ अच्छा अच्छा हाँ बोलो। तो खैर चप्पू भाई तो बीच बीच में हाशी लगाते रहेंगे। बात सुनो भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। असल में एशन भाई जो चले गए ना मेरे निहारी लेने के लिए, लगाने के लिए गए उसमें, तो वो कह रहे थे कि हम क्रिकेट खेल ले, तुम क्रिकेट खेल लो। ठीक है हम लोग खेलते हैं क्रिकेट और क्रिकेट निहारी। चप्पू भाई का ठेला भी आ गया था निहारी वाला। चप्पू भाई ने ये एहसन भाई को पता नहीं किस काम पे लगा दिया है, हमारे अच्छे खासे मेजबान को। ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग। हाँ ये चप्पू भाई आपसे जो है ना चाय भी बिकवाएंगे, आपसे अंडे भी बिकवाएंगे और बहुत कुछ बिकवाएंगे आपसे। तो इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है जनाब, 3 मैचेस हो गए हैं, चौथा मैच आज सऊदीया लेके जा रहा था पूछने। तो हाँ अच्छा, खबर में अच्छी खबर सुना रहा था और सही खबर सुना रहा था भाई। हो गए 2 दिन में ये दिन। चप्पू भाई एक मिनट थोड़ा कंट्रोल करें। चप्पू भाई मैं पहले बताने दें, मैं बड़ी मुश्किल से खबर निकाल के लाया हूँ। खबर कुछ यूँ है कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है तो नेक्स्ट जो साल होगा उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हज की दावत दी गई है सऊदीया के प्रिंस की तरफ से। तो ये भी बोल सकता कि मैं कुछ खरीद लूँ वहाँ पे। हाँ अब आप नहीं खरीद सकता वो तो अल्लाह का है, नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं चप्पू भाई, हम सबको हज पर भेज सकते हैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ पर तो हज के लिए पहुंचेगी। सलमान भाई है ना हमारे। जी बिल्कुल प्रिंस सलमान। अबे खान नहीं है भाई, वो बिन बिन करके कुछ करते हैं, बिन बिन करते रहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान पता नहीं कौन से बिन बिन करते हैं। तो जनाब लिसनर्स आपसे हम बात करेंगे अभी वर्ल्ड कप में। मैं टीम खरीद लूंगा तो सब चलेंगे साथ ही। बिल्कुल भाई प्लान निकाल लिया आपने। तो जनाब हमारे साथ एसन भी मौजूद हैं, तलहा भी मौजूद है, तो मैं अब आना चाहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर। तो जनाब हमारी क्या तैयारियां हैं? मुझे जो दिख रहे हैं ना स्टूडियो में लिसनर्स, इन लोगों ने इतनी गुर्बत छाई हुई है, एक माइक को पता नहीं कौन कौन इस्तेमाल कर दी है। अगली दफा से मेरे पास से 4 माइक स्पॉन्सर इनको। अच्छा कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाह। चप्पू भाई की बसंती करो भाई। चप्पू भाई की जय भी नहीं चाहिए मेरे को, बसंती चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, माइक पे जा रहे हैं बिल्कुल नहीं 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 नहीं, वो आउटडेटेड चीज नहीं लिया करें आप, अपडेटेड ले। अच्छा चप्पू भाई यार ये बड़ा मसला होता है हमारे प्लेयर्स के साथ भी कि वो जब बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, जब बड़े बड़े ममालिक में उनका सामना होता है अंग्रेजों से, तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाते यार। उनको तो कोई आप मशवरा दें कैसे वो अपनी अंग्रेजी ठीक करें। भाई जाने से पहले ना वो अंग्रेजी खरीद के जाया करे, बस सिंपल सी स्ट्रिक्ट तरीके मेरे को बता दे, मैं ले खरीद दूंगा। डिक्शनरी खरीद देंगे,
ठीक है, फिर वो एक आता है वो गूगल असिस्टेंट होता है ना, गूगल असिस्टेंट खरीद देना उनको, हैं अंग्रेजी की जुबान खरीद दे उनको, वो लगा लेंगे कोई पोर्टेबल जुबान आती हो तो। तो यही तो, अबे भाई मतलब मेरे कहने का तो मशवरा वही था ना, अंग्रेजी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। अरे ये मैकेनिक थोड़ी है जो पुर्जे लगाते रहेंगे, ये चप्पू भाई हमारे, ये सिर्फ खरीद के दे सकते हैं। हाँ सेठ साहब, हाँ मैं मैकेनिक खरीद दूंगा, पाने वाने खरीद दूंगा, जबान खरीद दूंगा, लगा खुद लेना भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। पाकिस्तान चल, हाँ पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, बताओ क्या सीन है। पाकिस्तान की टीम 6 जून को खेल रही है, वो भी यूएसए से। यूएसए ने एंट्री तो बड़ी प्यारी मारी है, 194 स्कोर करना हो तो फिर कैसे मुमकिन है। सैटरडे को जो मैचेस खेले गए हैं और उसमें यूएसए, कनाडा, वेस्ट इंडीज और पीएनजी, यानी पप्पू भाई की टीम। अच्छा इसके बाद फिर जो है ये आपके 2 मैचेस हो गए और तीसरा मैच आज एक खेला जा चुका है, दूसरा खेला जाएगा। तो एक ऐसे तो भी संडे को छुट्टी नहीं क्या? अरे संडे को छुट्टी नहीं है, छुट्टी में तो इंटरटेनमेंट की सारी चीजें होती है, स्पोर्ट्स भी इंटरटेनमेंट में आता है, आपको पता है। अरे उस्ताद जी मेरी बात तो सुन लो, आपकी शायद हिसाब किताब गलत हो रहे हैं, पैसे कम पड़ जाएंगे। नहीं तो देखो सैटरडे को आप कितने मैचेस खेल रहे हो? दो। कितनी टीमें? चार। 2 मैचेस कैसे होते थे? चार ने हर एक ने अपने अपने मैच खेला ना, 4 मैच हो गए ना। बस करे यार चप्पू भाई, मैं पप्पू गिनिया का अलग मैच हो गया, ऐसा करेंगे तो मेरी मैथमेटिक्स पहले ही बहुत कमजोर है। मक्का का अलग मैच हो गया, मदीना का अलग मैच हो गया, सॉरी वो बिन सलमान वाली मामला सामने आ गए थे ना बीच में, मक्का की अलग नमाज हो गई, मदीना की अलग हो गई, ये होता है। अच्छा ये बताएं कि वो संडे को छुट्टी थी क्या फिर? किसकी किसकी? मैच की। ये तला ना आपको शायद कुछ कोई अलग ही केस समझ रहे हैं आपकी हर बात में। हाँ ठीक है ठीक है, आप छाप नहीं तो फिर 2 मैचेस कैसे हो गए? संडे को 2 सैटरडे को 2 4 और अच्छा बस चप्पू भाई को पानी पिलाएं। मेरे को हजम नहीं हो रहा ना भाई, मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मिलियन डॉलर सवाल, जो कि मैं आप सबसे पूछूंगा, तलहा से भी पूछूंगा, एहसन से भी पूछूंगा और चप्पू भाई से भी पूछेंगे। आज से हम जो है ना प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा अच्छी होंगी, सबसे ज्यादा होंगी सही, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में बारिश हो जाएगी, इंशाल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। चप्पू भाई आप कब आजाद होंगे? नहीं हमें कब आजादी मिलेगी? ये हमें चप्पू भाई से कब आजादी मिलेगी? तो नामुमकिन चीज है बेटे, फाइनल के बाद। तो जनाब सबसे पहले हम तला से पूछ लेते हैं, तला आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम आपको सुपर 8 में जाती हुई दिखाई देती है? सबसे पहला सवाल, फिर क्या टॉप 4 में भी जाएगी या सेमीफाइनल फाइनल में भी पहुंचेगी? कि हम बड़े बड़े ख्वाब तो देख रहे हैं, फाइनल जीतेगी। डॉलर हो गया इतने सारे सवाल, ये तो ज्यादा दूर की हो गई, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर है साकिब। लेकिन खैर पाकिस्तानी टीम से उम्मीद पूरी है। सबसे पहले तो हम छोटा गोल सेट करते हैं, पहले सुपर 8 की बात कर लेते हैं। मेरी अपनी जो उम्मीद है, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, वो तो कहती है फाइनल तक जाएं। चप्पू भाई मुंह पे टेप लगाओ यार, भाई नहीं है ये सुपर 8 में तो मैं पाकिस्तान टीम को ज्यादा देख रहा हूँ साकिब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगी इस बार T20 के अंदर, मेरी पूरी पूरी उम्मीद है और ख्वाहिशात और दुआएं भी मेरी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। चले जी, पाकिस्तानी टीम के साथ जिस तरह तलहा की नेक ख्वाहिशात हैं, इसी तरह हमारी भी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हमारी टीम जो है इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और हमारे झंडे को इज्जत बख्श रहे हैं इस वक्त, तो हमारे जो लड़के हैं वो तैयार हैं खेलने के लिए यूएसए के साथ। तैयार हैं लेकिन लड़के हैं लेकिन बगैर लड़े तैयार हैं। तो बिला ताखीर हम बढ़ते हैं चप्पू भाई की तरफ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या सुपर 8 में भी पहुंचेगा? हम तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं फाइनल में जाने के लिए, तो क्या सुपर 8 में भी पहुंच रहा है कि नहीं? भाई जान टेंशन नहीं लो, सुपर 8 में पहुंचे ना पहुंचे 8 बॉल पूल में पहुंच जाएगा। वाह 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 चप्पू भाई, आपसे मुकाबला करना तो सनूकर खेलता हूं मैं, बहुत अच्छी मोबाइल पे खेल लेता हूं। बस फिर भारत के साथ आपको क्यों ना खड़ा कर दिया जाए यार, आप तो अच्छा खेल लेंगे। अरे भारत इतना बड़ा शेर है भाई, सवा सौ इंडिया के मैच में ना चप्पू भाई को इंडिया की टीम पे छोड़ दिया जाए और वो फिर टीम जो है मैदान छोड़ के भाग जाएगी। वो गांधी साहब को खरीद लूंगा, कौन है गांधी साहब, है अभी की नहीं है? गांधी साहब को खरीद लिया जनाब। एहसन इकबाल से भी पूछ लेते हैं, जनाब क्या लग रहा है कि फाइनल के तो हम ख्वाब देख रहे हैं कि भाई फाइनल जीत लेंगे, ऐसी टीम के साथ क्या हम सुपर 8 में भी पहुंच रहे हैं?
ये ऐसी टीम से आपकी मुलाकात क्या थी? यार मेरी और लिसनर्स, मेरी और चप्पू भाई की कुर्बत और बढ़ गई है, हम और करीब आ गए अब तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा लग रहा है। बहरहाल जी, बात चल रही थी पाकिस्तानी टीम की, तो यार मुझे तो खैर इतनी उम्मीदें हैं भी और नहीं भी। एक्चुअली मैं ना क्रिकेट लवर हूँ, मैं पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल पाकिस्तानी टीम समझ के नहीं देखता, मैं एक क्रिकेट टीम समझ के खेलता हूँ। हाँ, मैं क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे देखता हूँ। अच्छी बॉल पे तारीफ हो जाती है, अच्छे शॉट पे जो है वो फिर तारीफ हो जाती है। क्या बात है यार चप्पू भाई, तो यार एहसन और चप्पू में फर्क होता है ना, फर्क है ना मेरे में और आपके। दुआ करें हम एक हो जाएं। अल्लाह ना करे भाई। चप्पू भाई डर गए। चप्पू भाई क्या हो गया? ज्यादा ऐसे नहाता है तो ज्यादा बारिश होता है। ये बात हो गई चप्पू भाई। अच्छा जी लिसनर्स, एक घंटा है पता नहीं लगता किधर चले जाता है। अभी तो हमने कोई गाने वाने भी एक ही, अभी हमने जो पीसीबी पॉडकास्ट में बाबर आजम का इंटरव्यू था उसकी अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने कहा कि हमारा भाई एक ही मकसद है, वो है मकसद वर्ल्ड कप जीतना। बाबर आजम ने कहा कि मैं दो वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी कर चुका हूं, तीसरे वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी कर रहा हूं, दो वर्ल्ड कप में एक हमने फाइनल खेला है, एक में सेमीफाइनल खेला है, तो इस वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल के बजाय डायरेक्ट ट्रॉफी लेकर आएंगे। तो हमारी सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात सब कुछ जो है वो हमारे चप्पू भाई, पप्पू भाई ये वो सब कुछ, सब तमन्नाएं, तारीफें, तहसीनें सब जो है ना हमारे। तहसीन कौन है? अरे चप्पू भाई बस करें ना यार, सबको खरीदना है क्या? तो ये ये सब हमारी जो है वो किन के साथ है? पाकिस्तानी टीम के साथ है। तो लिसनर्स आप भी दुआएं करते रहे, इंतजार करते रहे, अपने एक्सपेक्टेशन को बूस्ट करते रहे, दूसरे मैचेस भी देखें, वर्ल्ड कप को एंजॉय करें, वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी हैपनिंग्स हैं उन सबको एंजॉय करें। अब हम देते हैं माइक साकिब रजा को, मैं जा रहा हूँ भाई निहारी खाने। बिल्कुल जनाब, एहसन इकबाल ने जो बातें कही, जल्दी से तंदूर खरीद के। चप्पू भाई बस बस बहुत हो गया, एक घंटा हमारा आपने पूरा कर दिया देखते ही देखते। तो ये कि जनाब बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं, और जिस तरह एहसन ने कहा कि बाबर आजम पुरउम्मीद हैं और पूरी तैयारियां हैं वर्ल्ड कप जीतने की, क्योंकि ज़ाहिर है 2021 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 में हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन इतना करीब जाने के बाद भी हम कप ना उठा सके। तो मतलब अभी तक वहीं खड़े हैं 2022 से। 14-15 साल बीत गए हमें आखिरी बार ट्रॉफी उठाए हुए। 2022 तक क्या हो गया? 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता था यूनुस खान की कयादत में, और अब 2024 हो चला है, लेकिन बाबर आजम आ गए, उससे पहले बाकी कप्तान भी बदलते रहे लेकिन किसी ने वर्ल्ड कप दोबारा न जितवाया। अच्छा, तो इस बार ये जो हमारे कप्तान है, दो कप्तान है, बाबर और आजम। अल्लाह, पप्पू भाई चप्पू भाई, जिस तरह पप्पू और चप्पू दो है ना, तो इसी तरह बाबर आजम भी दो है। तो जनाब बिल्कुल आज की हद तक इतना ही रखते हैं, और तलहा इनाम से भी हम फाइनल वर्जन लेंगे और फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जनाब क्या कहिएगा? बस फाइनल वर्जन क्या, यही नेक ख्वाहिशात पाकिस्तानी टीम के लिए हैं, और मैचेस शुरू हो चुके हैं वर्ल्ड कप के, तो देखें, एंजॉय करें और फीडबैक ज़रूर दें। नई सुबह वेब रेडियो पर आप ये ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, और हमारी ट्रांसमिशन आपको कैसी लग रही है आप हमें फीडबैक के ज़रिए बता सकते हैं। तरीक़ेकार साकिब ने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। हमारा नंबर है 0330860072। अपने फीडबैक लिखने में दिक्कत हो रही है, कस्टमर का मैसेज आ गया। लिखे नहीं, डायल करना है चप्पू भाई, डायल करना है, और हमारे लिसनर्स के पास पहले से नंबर सेव है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा अच्छा चप्पू भाई ऐसा ऐसा बता देता हूँ, जीरो सिफर बोलो, सिर्फ उर्दू उर्दू हमारी उर्दू ज़बान को प्रमोट करना चाहिए। 3 0 8 6 0 0 0 7 0 ज्यादा होगा चप्पू भाई आपके चक्कर में। लिसनर्स 000 है तो सिर्फ 3 ही सिफर लगाइएगा, इससे ज्यादा ना लगाइएगा। 0 0 0 0 जनाब हमारा टाइम भी जो है ना सिफर होता जा रहा है। तो ये कि आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, अभी तक हमने आपको शामिल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन से आप भी होंगे हमारे साथ कॉल्स के थ्रू, और मीटिंग्स के थ्रू भी आप हमारे साथ होंगे, आपसे भी तज्जिए तबसरे मैचेस के ऊपर लेंगे, बहुत कुछ है जनाब आने वाली ट्रांसमिशंस में। आज की हद तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि जाहिर है जीत का जोश आ गया है, तो तन्हा है ना उड़ जाएंगे सबके होश जब चलेगा जीत का जोश। वाह 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 जनाब, जनाब 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 चप्पू भाई, तन्हा इनाम, एहसन इकबाल और साकिब रजा को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है अगले शो में।